हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं रवि आर्ट्स गैलरी। और आज हम सीखेंगे स्केच में कैसे नाक और आँख बनाते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के हम आर्ट वीडियो लाते रहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं पहले से ड्रा कर लिया था और उस पे पेपर रख करके चारकोल से कर रहा हूँ ताकि पेपर गंदा ना हो। यहाँ पर सबसे पहले मैं आईबॉल को डार्क कर रहा हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है ताकि और अच्छे से निकल सके। और मैं यहाँ पर मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ, जिसकी ब्लेंडिंग बहुत ही सॉफ्ट होती है। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक इरेजर से आँख की हाईलाइट दे रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं यहाँ मेकअप ब्रश से शेडिंग दे रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और उसी शेडिंग को पकड़ करके मैं आईब्रो पर दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से निकल सके। यहाँ पर मैं दूसरी वाली आँख के पास आ गया हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। आई लेसेस को मैं डार्क कर रहा हूँ और उसके बाद आई बॉल को बनाऊँगा। यहाँ पर मेरा आई बॉल बन गया है और मैं ब्लेंडर से मर्ज कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ब्लेंडर की मर्जिंग बहुत ही अच्छी होती है, जहाँ की बारीक बारीक जगहों पे दी जाती हैं। पहले वाले आँख की तरह इसमें भी शेडिंग दे रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें डिटेल ऐड करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आईब्रो बना रहा हूँ, जो मैं पहले से ही शेडिंग दिया था। अब मैं इसमें फिनिशिंग और हाईलाइट ऐड कर रहा हूँ। जैसा
यहाँ मैं शेडिंग दे रहा हूँ और आँख के ऊपर वाले पार्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को शेडिंग आसान तरीके से सीखनी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पे भी वीडियो आपको बना करके दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं इनकी बिंदी को क्लियर कर रहा हूँ। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को आसान तरीके से शेडिंग सीखनी है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग आसान तरीके से सीख सकें। पर मैं नोज की लाइन को क्लियर कर रहा हूँ ताकि और अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर सकूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर रहा हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके, डायमेंशनल आ सके। और मेरे हम यहाँ पर शेडिंग दे रहे हैं और मेरा ये स्केच बन करके तैयार हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।